आपको अपने इन पांच आदतों को जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए बिकॉज दे आर मेकिंग यू डम। फर्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग। आप सोच रहे होंगे पर क्यों? न्यूरोसाइंस रिसर्चेस में ये पता चला है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद ऐसा करना अच्छा है। लेकिन फैक्ट ये है कि आप एक काम खत्म करने के बाद ही दूसरे पर जल्दी से जंप कर सकते हैं। इस तरह की टास्क शिफ्टिंग के लिए आपको कुछ कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, एज इन एक काम के साथ किसी दूसरे काम को करना आपको मेंटली ड्रेन कर देता है। और ऐसा करने से फर्स्ट आपको काम खत्म करने में ज्यादा टाइम लगता है और वहीं दूसरी तरफ आपकी वर्क क्वालिटी भी वर्स्ट होने लगती है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, टास्क शिफ्टिंग से एक इंसान की क्रिएटिविटी 40% तक कम हो जाती है और आपका प्रोडक्टिव टाइम भी इससे वेस्ट होता है। चौंक गए ना? तो अब से मल्टीटास्किंग की जगह सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टास्क पर पहले फोकस करें। सेकेंड इज उठते ही फोन को चेकआउट ना करें। लेकिन आप तो ऐसा डेली करते हैं। वैसे अपने दिन की शुरुआत आप इससे कहीं अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आपके पास रात भर में पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट मैसेजेस या मेल्स आ गए होंगे, या फिर आपको उठते ही सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट चेक करनी होती है। लेकिन आपको पता है आपका ऐसा करना आपको कहीं ज्यादा स्ट्रेस्ड और एंशियस फील करवाता है। उठते ही फोन चेक करना आपके माइंड को काम नहीं करता है, इंस्टेड ये आपके ब्रेन की एबिलिटी को भी अफेक्ट कर देता है और इसी वजह से आप टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, जो कि आपको लेस प्रोडक्टिव बना देते हैं। सो इंस्टेड सुबह उठते ही फोन को स्क्रॉल करने से पहले आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ हेल्दी हैबिट से कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना, वार्म वाटर ड्रिंक टेक करना या फिर एक्सरसाइजेस से भी कुछ कर सकते हैं। थर्ड वन इज बेड टाइम रूटीन का ना होना। आपके सोने से पहले की कुछ आर्म्स कामिंग होने चाहिए ताकि आप आसानी से सो सके। जैसे सोने से 2 या 3 घंटे पहले तक आपको डिनर कर लेना चाहिए और 5 घंटे पहले तक आपको कैफीन इंटेक नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। लोग अपने सोने का टाइम फिक्स नहीं करते हैं और इसीलिए उन्हें डे टाइम में ज्यादा इरिटेशन फेस करनी पड़ती है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस पुअर होने लगती है, जो कि लॉन्ग टर्म में अनहेल्दी लाइफ को लीड करती है। तो अगर आप भी डे टाइम में इन्हीं सब चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, तो अपने बेड टाइम हैबिट्स को एक बार फिर से एग्जामिन करें और उसे इम्प्रूव करें। फोर्थ वन इज नोटिफिकेशंस को बंद ना करना। सारा दिन ये जरूरी नहीं कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको पिंग्स आते रहें, मैसेजेस पर मैसेजेस या किसी न्यू ऑनलाइन पॉडकास्ट से न्यू टॉपिक के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको आपके इम्पोर्टेंट टास्क के बीच में इंटरप्ट करे। ऐसा होना जरूरी तो नहीं है ना? इसीलिए जितना जल्दी हो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए, उतनी ही जल्दी आप अपने फोकस को बना पाएंगे और अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल वापस हासिल कर सकेंगे। फिफ्थ वन इज ड्रिंकिंग कॉफी मोर देन वाटर। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स वुड ड्रेन यू आउट। वैसे इसके कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन कॉफी ही पीते रहें। आपको पता होना चाहिए कि कॉफी की ज्यादा कंजम्पशन का आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि स्टमक अपसेट, हर्ट बर्न, रेस्टलेसनेस, नींद का ना आना और हर्ट बीट्स का बढ़ जाना। सो इन दैट सेंस आपको जितना कम हो सके उतना ही कम कॉफी और टी इंटेक करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके वाटर इंटेक को बढ़ाना चाहिए। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इन हैबिट से रिलेट कर पाए होंगे, सो ट्राई टू अवॉइड देम अगर आपको एक मीनिंगफुल और एक जॉयफुल लाइफ लीड करनी है तो। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। दिस इज दिव्या फ्रॉम technology.com। विल सी यू सून इन अ न्यू वीडियो। जस्ट टू गेट नोटिफाइड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब to the channel and do press the bell icon. और अगर information पसंद आई हो तो इसे सभी के साथ share जरूर करें। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।